हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप सब लोग? डैडी बॉट डोंकी। तो यार आज सुबह होते ही हमारे जो एक फिशर का पेयर था जो रेडी टू ब्रीड था वो सेल हो गया और अब मैं इनको देने के लिए जा रहा हूँ। पहले ही वीडियो बताना भूल गया मैं। इनकी पिंकी पोंकी। चलो खैर, अब तो आपको दिखा दिया मैंने कि अब ये जा रहे हैं। डैडी बॉट डोंकी। A few moments later. तो यार हमारा एक पेयर फिशर का जो है वो सेल हो गया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक पेयर फिशर का पड़ा हुआ है, एक कॉकटेल है और एक जो है बैगलीज है। तो अभी शाम तक जो है हमारे पास एक और पड़ा रहा है, उसका नाम है इनकी पिंकी पोंकी। क्रिमिनो। क्रिमिनो सिर्फ अकेला उसका नाम नहीं है, उसका नाम है डैडी बॉट डोंकी। क्रिमिनो सिर्फ अकेला उसका नाम नहीं है, उसका नाम है रोसी कोली क्रिमिनो। तो वो शाम तक आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितना प्यारा है। मुझे तो लिटरली बहुत प्यारा लगा और काफी यूनिक कलर भी है उसका, तो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो आएगा। बाकी ये क्या हमारा फिंचेस का केज भी खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए इनकी पिंकी पोंकी। व्हाइट बैगली से इसके अंदर वो रही डैडी बॉट डोंकी। अभी इसके अंदर भी हम लोगों ने 3 मटके लगाए हुए हैं, तो अभी इसके अंदर भी कुछ फिंचेस आएंगी। वेट करना है कब आती है, तो खुद ही जाऊंगा। देखते हैं यार, इस इतवार को जाते हैं, अगले इतवार को जाते हैं। इस इतवार तो मुझे मुश्किल लग रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे, इसके लिए फिशेस भी लेके आएंगे। तो अभी हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग अपने फिशर की जो है कटले चेक करते हैं, उन्होंने अंडे वंडे दिए हैं या नहीं। हमारे दोनों के दोनों फिशर ही अंदर बैठे हुए हैं। इनकी पिंकी पोंकी। इनको देखूँ कैसे मैं अंडे वंडे दिए हुए या नहीं। डैडी बॉट डोंकी। अंडे या नजर तो नहीं आ रहे। अंडे 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 वाले फिशर, अंडे वाले अभी तक नहीं आए। ये बड़ी प्यारी होती है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था यार हमें स्ट्रॉबेरी फिंच चाहिए, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम लोग स्ट्रॉबेरी फिंच इस बार ले आते हैं। पिछली दफा बैंगलीज लेके आए थे, इस बार स्ट्रॉबेरी फिंच लेके आएंगे। रोजी कोली क्रीमिनो हम तब लेंगे जब हमारे कॉकटेल सेल होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम लोग कल मार्केट जाएंगे अपने फादर के साथ। अगर फादर के साथ जाना है इसका मतलब ये कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो अभी सो जाते हैं। चलो भाई, तो यार सुबह हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हाँ जी, इनकी पिंकी पोंकी। बस थोड़ी देर में तुम्हारा ये केज जो है भर जाएगा। डैडी बॉट डोंकी। ए, क्या ये इनकी पिंकी? तो कुछ नहीं, वो मीम चल रहा है बस, और कुछ नहीं। अबे तो मीम लगाने की भी कुछ दुख होती है, कुछ चीज होती है तब मीम आता है। ये क्या हर बात में पिंकी पिंकी इनकी इनकी पिंकी किंकी नहीं, नहीं इनकी पिंकी किंकी नहीं, इनकी पिंकी पोंकी डैडी बॉट डोंकी। अच्छा अब नहीं लगाऊंगा, अब नहीं लगाऊंगा। हाँ कंटिन्यू कर व्लॉग। या तो हो सकता है तुम्हारा केज भर जाए, या हो सकता है मैं नया केज ले आऊं। यार मेरी प्लानिंग जो है ना वो ये है कि ये जो देखें, ये जो 4 मटकियां लगी हुई ना, इन दो मटकियों को निकालूंगा और इन दो मटकियों को यहाँ पे 2 मटकियां नहीं लगाऊंगा, मतलब इस साइज की ना, क्योंकि हमारे परिंदों को इस यहाँ पे लाने में बड़ी मुश्किल होती है। इन दो मटकियों को निकाल के यहाँ पे लगाऊंगा छोटे छोटे केजेस, और उन केजेस में रहेंगे हमारी फिंचेस। A few moments later. यार मार्केट हम लोग पहुंच गए, अभी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फिश देखते हैं कहाँ मिलती है। तो यार काफी देर तक इंतजार करने के बाद हमने फिर से पेंगुइन्स ले लिए। बाकी मैं अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ, अभी तक स्ट्रॉबेरी फिश मिली नहीं है, अगर मिलेगी तो फिर लेते हैं। तो यार हमने पेंगुइन फिंच भी ले ली, हमने बैंगलीज भी ले ली, पर स्ट्रॉबेरी फिंच चाहिए थी वो नहीं मिली, अब देखते हैं वो मिलती है नहीं। A few inches later. तो यार मैं आ गया अपने केज के अंदर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग लेके क्या क्या आए हैं। मार्केट में बड़ी मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह हमारे पास 2 पेयर बैंगलीज के, एक पेयर है हमारे पास पेंगुइन का और वो बच्चे साथ है, एक पेयर है हमारे पास पेंगुइन का मेल और स्नो व्हाइट का फीमेल, ये 2 पेयर है ये वाले। अभी शायद समझ ना आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ना लगा लगा के, तो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यार एक पिंजरा मैंने लगा लिया है, अभी एक पिंजरा रिकॉर्ड लगाना है, मैं सब मटकी वटकी लगा रहा हूँ, और एक पिंजरा जो हम लोग नीचे लेके जाएंगे, अभी ये लगाता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे बाल माशाल्लाह इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। यार मैंने ये सोचा था कि हम लोग यहाँ पे भी एक चीज ठोक के जो ना 3 पिंजरे लगा देंगे, ये पिंजरा पड़ा हुआ है इसके अंदर बैंगलीज डालनी है,
लेकिन नीचे से हमारे घर से ऑर्डर ये आया है कि एक पिंजरा नीचे रहेगा, क्योंकि हमारी अम्मा को पिंजरे बहुत पसंद है। तो हम लोग जो है ना अपनी बैगलीज जो है वो नीचे रखेंगे। यहाँ पे हमें और मटके लगाएंगे जब हम लोग, अभी तो फिलहाल एक ही पेयर है ना, ये भी शायद कल चले जाए। अभी यहाँ पे मटके लगाएंगे तो निशान में सब चले जाएंगे, नीचे वाली दीवार भी भर देंगे, पूरा पिंजरा जो है ना केस से भर देगा। यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, जहाँ पे भी के, जहाँ पे भी के, जहाँ पे भी के, यहाँ पे तो है ही, सबसे बड़ा जादूगर तो मैं ही हूँ यहाँ का। थक गया यार बोले यार, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो है केजेस वगैरह का सेटअप मैंने क्या किया। पहले आप ये केज देख सकते हैं जो अभी नीचे जाएगा, इसमें हमारी बैंगलीज फिंचेज है। तो जो मैं दीवार पे केज लगा हूँ आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये दो केज है मैंने लगा दिए। अभी मटकियाँ दो हैं, अभी ये पूरी लाइन जो है मटकी से भरनी है। अभी तो क्योंकि एक ही पैर है वो चला जाएगा, उसके बाद लगाऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं इस मटके को छेड़ूंगा ना फिर से थोड़े परेशान हो जाएंगे, सो मैं इस मटके को नहीं छेड़ा। ताकि अपने बर्ड दिखाऊं कौन कौन से फिंचेस है मेरे पास। ये है पेंगुइन फिंचेस, इनके साथ एक बेबी है इनका, ये अभी खाना खा रहे हैं, मछलियों का मुंह भी नहीं लगा रहा हूं इनको। ये पेंगुइन फिंचेस के साथ हम लोगों ने लिया है स्नो व्हाइट फिंचेस का पेयर, मतलब जो मेल है वो पेंगुइन का है और जो फीमेल है वो है स्नो व्हाइट की। ये देखिए माशाल्लाह भी बहुत प्यारा पेयर है। मैंने कई बर्ड भी देखा था कि इन दोनों को अगर आप पेयर लगाओ तो फिर एक और फिश निकलती है, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, पीठ पे ना वी बना हुआ होता है, मुझे नाम याद नहीं है। तो अभी चलते हैं घर, इनको नीचे लेके चलेंगे, बाकी हमारा ये वाला केज भी खाली हो गया है। चलते हैं, अभी मैं थक गया यार, खाना वाना इनका डाल दिया, पानी ये रहा, खाना ये रहा, पानी ये रहा, खाना ये रहा, पानी ये रहा। ये वो केज जो मैं नीचे लेके आया था, और अभी हमारी सारी फिंचेज जो है ना अंदर बैठी हुई है। ये देखिए सारी की सारी फिंचेज ना हमारी अंदर बैठी हुई है, तकरीबन 6 फिंचेज है, 6 की 6 अंदर बैठी हुई है सर्दी की वजह से। The next day. तो यार आज जो मैं अभी अपने केज में आ रहा हूँ, और हमारी जो पेंगुइन और स्नो व्हाइट फिंचेज थी आप उनको देखे जरा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी पेंगुइन फिंचेज ये रही, पेंगुइन अभी नीचे है। और अभी जो है केज में आने का मकसद ये है कि हमारे जो परिंदों में खाना पानी चेंज करना है, अभी वो करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। यार अभी जो है कॉकटेल का बिताना साफ करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर छिलके काफ़ी होते हैं। अभी भी छिलके काफ़ी हैं तो सफाई करने के बाद भी, अभी सफाई करते हैं फिर डालते हैं खाना। फिर अभी ये फिशर का भी देखें कितना ज़्यादा कचरा हो रहा है, इसको भी साफ़ करते हैं। यार पानी वानी भी डाल दिया मैंने, और खाना वाना भी इनका साफ़ कर दिया, अभी खाना वाना भरते हैं इसमें। ओए यार मैंने अपनी बैंगलीस को शिफ्ट कर दिया है इस वाले केज से, इस वाले केज में शिफ्ट कर दिया है, सारी की सारी बैंगलीस इस तक मटकी के अंदर है। तो यार मैं पिंजरा अपना जो है लेके आ गया, और अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैंने खील भी लगा दी है वहाँ पे, पिंजरा लगाते हैं। यार पिंजरा मैंने लगा दिया है, क्या बात है, बस खाली हुआ है अभी, क्योंकि बैंगलीस जो है हमारी नीचे आपको दिखा दी। अभी देखते हैं स्ट्रॉबेरी फिंच आती है नहीं आती, क्या चीज़ है, मैं मार्केट में जाऊँगा, इम्प्रेस मार्केट जाऊँगा, वहाँ से देखूंगा स्ट्रॉबेरी फिंच, क्योंकि नेट में तो है नहीं, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिली नहीं। अभी फिलहाल हमारे आज या कल ये फिशर चले जाएंगे ना, उसके बाद हम लेके आएंगे, ताकि फिर मटकी हमें इधर से उधर करने में थोड़ी सी आसानी हो, नहीं परेशान हो जाएंगे थोड़े से। और मैं आपको जो है एक और परिंदा दिखाता हूँ, वो है कबूतर, मुझे पता है मेरे पास कबूतर नहीं है लेकिन वहाँ पे आए हुए हैं। देखिए जो है ना मैंने दाना पानी डाला हुआ था तो खाने के लिए आए हैं, चेक करें कितने सारे हैं यार। एक और आए दो तीन वहाँ पे भी बैठे हुए हैं यार भाई साहब। यार आज की वीडियो बस इतनी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, दुआ करिएगा कि अगली वीडियो का हमारा थंबनेल ये हो कि स्ट्रॉबेरी फिंचेस मिल गई, क्योंकि यार मेरा बहुत दिल है उनको रखने का, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो, और आपको भी बहुत प्यारी लगेगी जब आप देखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग।